मैं हूँ अंबुज कुमार। अभी हम हैं बेलदौर विधानसभा में और यहाँ के कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। बेलदौर विधानसभा के किसानों की मुख्य समस्याएं क्या है? देखिए, बेलदौर विधानसभा किसानों की मुख्य समस्या है मक्का। अभी पूरे बेलदौर विधानसभा के 39 पंचायत में मक्का 2250 रुपया क्विंटल होना चाहिए, लेकिन ये नीतीश सरकार, निकम्मी सरकार, दोगली सरकार इतना निकम्मा है मुख्यमंत्री है, जानबूझ के खगड़िया जिले के साथ लगातार वर्षों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। यहाँ का विधायक इतना निकम्मा है, 20 साल से गूंगा भी है और बहरा भी है, आदरणीय पन्ना लाल पटेल जी। सवाल उठता है कि जो विधानसभा में आज तक कितना त्राहिमाम है, यहाँ मक्का का कितना त्राहिमाम है। हम तो 39 पंचायत घूमते घूमते परेशान हैं। हम गए रोहियार बंगलिया, वहाँ हमने आँखों से देखा, मेरा दर्द छलक गया किसानों का देख के। भुट्टा जो है रखा हुआ है और कोसी का पानी आया और भुट्टा को लील गया। मैंने देखा पौड़ा का हाल, मैंने देखा कोयला का हाल, मैंने देखा हरदिया का हाल, मैंने पिनगरा का देखा, माली कंजरी का देखा, दोठा का देखा, मैंने देखा बलेठा का, ठाड़ी पचाट का, चोरली का, इदमादी का, सकरोहर का, बोबिल का, महिनाथ नगर का, गोंगी का, सब जगह का हाल जब मैंने देखा मक्के के किसान का, यूं बाहर पड़ा हुआ है मक्का पूरे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में। सर, केंद्र सरकार ने किसान विधेयक बिल जो संसद में पास करवाया है, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट मैं क्या, पूरा किसान ही संतुष्ट नहीं है। ये पूरे मोदी सरकार और नीतीश सरकार जो सहयोगी है बिहार सरकार, पूरे देश को गिरवी रख देगा। इधर चुपचाप सोना गिरवी रख दिया ऐसा मोदी, चुपचाप सोना गिरवी रख दिया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य होना चाहिए उसने निर्धारित नहीं किया। बड़ी बड़ी कंपनी को, वह मक्का हो या गेहूं हो या धान हो या बाजरा हो, वह खरीदने के लिए फ्री छोड़ दिया। अब बताइए, मंडी को बंद कर दिया उसने और कंपनी को कहा तुम ऋण दो। बीमा को ख़त्म कर दिया, जिस बीमा से मक्के के किसान हो या जनरल किसान हो इस क्षेत्र के, उससे लाभ होता था, उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि अब कंपनी वाले लोग खरीदेंगे अपने मन से, उसको बीज में, खाद में लोन देंगे अडानी अंबानी, और वह ज़मीन को गिरवी रखेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी और MSP निर्धारित नहीं कर रहे हैं, वह फिर 900 से 800 न मक्का हो जाए, गेहूँ 600 न हो जाए। ये किसान को बर्बाद करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय उसने किया है। और हम लोग कल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी बिल के विरुद्ध हर जिला में उसका पुतला दहन कर रहे हैं। सर, नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर आपका क्या राय है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने लाया है वह भी गरीबों के विरुद्ध है, वह अमीरों का है। उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है नई शिक्षा नीति का। क्या किया गया मैं स्थिर से समझाता हूँ। जैसे उसने रेल बेचा मोदी ने, उसने हवाई अड्डा बेच दिया, उसने बड़ी बड़ी कंपनी को कई और उद्योग बेच दिया, 25 लाख करोड़ रुपया लोन 0.5% ब्याज दर पर अडानी अंबानी को देते हैं और मात्र 7 लाख करोड़ रुपया उसका माफ भी कर देते हैं। किसानों का ऋण जबकि 3 लाख करोड़ में माफ हो जाएगा पूरे देश का, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, उस तरह नहीं करेंगे। सर, हमारे मोबाइल न्यूज 24 ने बेलदौर विधानसभा में सर्च किया है कि अखिलेश कुमार विद्यार्थी किसानों के हित में और छात्रों के हित में, युवाओं के हित में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और ऐसे में आप कोरोना काल में मास्क का वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं, कोरोना काल में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या इस बार चुनावी मैदान में भी आने का उम्मीद है? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय जो स्थापना हुई थी उस समय सेवा भाव के लिए, हम गांधी, महात्मा गांधी, MLA बनना बड़ी बात नहीं है, MP बनना बड़ी बात नहीं है, हम जनमानस में जो समस्या है
उसकी बात करें, जनता के पास जो समस्या है बेलदौर में उसकी बात करें। 5 नदियों से घिरा हुआ यह बेलदौर विधानसभा, कोसी, करे, बागमती, गंडक, गंगा, इतनी तबाही है, कहीं पे आप देखेंगे जो पनबिजली होना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं। अगर हम करे कोसी सबको मिला के पनबिजली की स्थापना करें, बिजली का निर्माण होगा, बिजली हम बेचेंगे, बेलदौर विधानसभा की जनता बेचेगी, हर प्रखंड में ITI कॉलेज होना चाहिए, बेलदौर में होना चाहिए, ये सुदूर प्रखंड में, चौथम में होना चाहिए, महिला कॉलेज होना चाहिए, गोगरी में होना चाहिए, महिला कॉलेज होना चाहिए, ITI होना चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। युवाओं के हित में हमने सोचा है वह बेरोजगार ना हो, मक्का आधारित उद्योग होना चाहिए। अगर मक्का आधारित उद्योग 25 से 30 हो गया तो कम से कम 25 से 50,000 युवा उसमें भाग ले लेगा, उसमें रोजगार पाएगा। मक्का से खुरमा बनता है, ठकुआ बनता है, मक्का से ही तेल बनता है। अमेरिका में मक्का का क्या स्थिति है आप देखेंगे, उसके तेल से पूरी छाँकता है। अमेरिका में हमारे रिलेटिव सब हैं, बताते हैं फोन पे, मोबाइल पे, कि पूरी छनता है मक्का के तेल से, बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये भारत सरकार और बिहार सरकार, खासकर हम कहेंगे कि मक्का आधारित उद्योग की स्थापना करें और उस तेल को, जैसे कि रिफाइंड तेल बिकता है, उसी तरह बेलदौर मार्का और चौथम मार्का रिफाइंड तेल की तरह मक्का का तेल का बाजार पूरे विश्व में हो, क्योंकि मक्का एशिया में प्रथम होता है खगड़िया में, और उसमें भी बेलदौर चौथम गोगरी में। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, अगर मधुमक्खी का पालन यहाँ हो उससे भी 20% उत्पादन मक्का का बढ़ जाएगा, क्योंकि मक्का की खेती 80% होती है, मक्का यहाँ पे 80% क्षेत्र में होता है और 3 पार्ट में होता है, कोई कटता है, कोई रोपता है, धनसीसी 0.5 किलोमीटर के अंदर में हर जगह रहता है बेलदौर में। अगर मधुमक्खी धनसीसी का चूषण करती है तो 20% मक्का का उत्पादन प्रति बीघा, अगर 100 मन है तो 120 मन का बीघा होगा, वो होना चाहिए। ये नीतीश कुमार अपने को इंजीनियर समझते हैं, कौन सी का इंजीनियर है, धूर्त और धोखेबाज, क्वारंटाइन मुख्यमंत्री है, 6 महीना से क्वारंटाइन है। और नीतीश कुमार को चुनौती है, तुम धोखेबाजी मत करो, युवाओं को टहलाओ बुलाओ नहीं, युवा सतर्क है, अगर युवा सतर्क नहीं रहेगा यह देश बचेगा नहीं। युवाओं पर ही बिहार है, युवाओं पर ही देश है, युवाओं के हित में काम करना हमारा कर्तव्य है। तो अभी हमने बात किया अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी से, इनकी जो है बहुत सारी शिकायतें हैं सरकार से। देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24।